हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टैली किस तरीके से डाउनलोड करी जाती है और टैली के लिए कितना पैसा देना होता है। देखिए, टैली आप डाउनलोड कर सकते हैं किस पर्पस से, कि आप सीखना चाहते हैं। अगर आपके पास सिस्टम है और अगर आप सीखना चाहते हैं तो टैली को फ्री ऑफ कॉस्ट टैली सॉल्यूशन जो वेबसाइट है इसकी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ये डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन अगर आप दुकान के लिए, शॉप के लिए, या अपने शॉपिंग जो भी है आपका, उसके लिए खरीदना चाहते हैं, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए खरीदना चाहते हैं परमानेंटली, तो उसके लिए आपको पे करना होता है। कितना पे करना होता है? 17 से 18 हज़ार रुपये पे करने होते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ गूगल पे जा करके। ये देखिए, गूगल पे जब जाएंगे और यहाँ पर मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ, गूगल, ठीक है। तो यहाँ पर जब सर्च करेंगे टैली प्राइम प्राइस, ठीक है, तो यहाँ सिंगल यूजर के लिए, अगर मल्टीपल यूजर चाहिए तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, तो सिंगल यूजर के लिए चाहिए तो सिंगल यूजर की प्राइस देखिए यहाँ पर कितनी आ रही है, 21,200 कितना आ रहा है, देख सकते हैं, देख रहे हैं ना। और यहाँ पर ये देखिए, ये भी है, तो यहाँ पर सिंगल यूजर मंथली माने एक महीने के लिए। अब देखिए, ये जो है ना, ये पूरा लाइफ टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये इस तरीके लिखा हुआ है, ये 708 रुपए, तो ये महीने भर के लिए है, ठीक है। तो टैली प्राइम अगर आप डाउनलोड करके सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। कहां से सीखेंगे? देखिए, टैली सॉल्यूशन आपको खाली सर्च करना है, ये हो गया टैली सॉल्यूशन, ये टैली सॉल्यूशन हो गया। आप जैसे सर्च करेंगे ना तो यहां पर आ जाएगा, और ये टैली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर जाकर के आप टैली को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां देखिए नीचे दिया भी होगा, डाउनलोड का ऑप्शन होगा, ये देखिए यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीखने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि हाँ, मैं अपने दुकान के लिए या अपने प्रतिष्ठान के लिए ये लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और पे करने के बाद भी अब जो उसमें अपडेट आता है वो आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। आप लेटेस्ट वर्जन लेके जा रहे हैं तो आप लेटेस्ट वर्जन लेके जाएंगे, लेकिन जो अपडेट आएंगे बाद में वो आपके टैली में अपडेट नहीं होगा, ठीक है। आप जितने दिन उसको रखिए उससे मतलब नहीं है, 21,000 का परचेस कर लेंगे तो वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर कोई दिक्कत आती है, अपडेट चाहिए, तो फिर उसे पैसा देकर के अपडेट भी करना पड़ता है। तो ये आपका टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी था। और दूसरा जो सवाल था कि जो टैली है उसमें क्या पेट्रोल और डीजल पे क्या लगता है, ये भी पूछा गया है। तो पेट्रोल और डीजल जो है इस पर वैट लगता है, और वैट के अलावा इस पे एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये जो पेट्रोल या डीजल पे जो टैक्स है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाता है। क्यों हैवी हो जाता है? ड्यू टू एक्साइज ड्यूटी।